वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीकेंड के वार पे, मतलब संडे के वीकेंड के वार पे बहुत उतनी चीज़ें नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे गेस्ट आए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट जो ट्रायो था वो भी आया था, जो कि भारती जी, कृष्णा और सुदेश जी, ये तीन लोग थे। बहुत ही अच्छा और इंटरटेनमेंट किया इन्होंने। तो हम सबसे पहले देखते कि स्टार्टिंग में ही राजकुमार राव और तृप्ति आए थे, जो उनके फिल्म के प्रमोशन के लिए आए थे। तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें इंटरटेनमेंट किया, और घर वालों को जो उनके प्रमोशन के लिए आए थे ना, उनका जो फिल्म का नाम था ना, वो जो वीडियो के ऊपर था, तो उसका ही घर वालों के साथ एक एक वीडियो दिखाया गया। और सबसे पहले जिन कंटेस्टेंट का वीडियो दिखाया गया ना, तो वो कंटेस्टेंट थे मुस्कान का। वो जो स्टेज पर का जो भी इतना कट किया था ना, वो सारी चीज़ें दिखाई। उसके बाद ना विवेन का भी वीडियो दिखाया था, और वहाँ पे ना विवेन सबके लिए थ्रेट है, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से बता दी। मतलब ये जो भी सारे गेस्ट ने टास्क किए ना, उसमें से बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती गई है, इसलिए टास्क भी ज़रूरी था। तो उसके बाद चाहत, अविनाश, सारा और अर्फिन का वीडियो दिखाया। सारा और अर्फिन के वीडियो में करण के बारे में जो सारी चीज़ें थी उन्होंने बोली थी ना, बहुत ही गलत थी वो चीज़ें, लेकिन अगेन सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उन्हें सबके एंट्री दिखाई गई थी, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर उनको जज किया। और उन्होंने घर में जाकर भी वही मुद्दा किया जो करण को ट्रिगर उन्होंने स्टेज पर ही बोला था। मतलब उन्होंने सारी चीज़ें प्लान करके की थी अर्फिन जी ने, कि करण इस शादी पे या उसके लव लाइफ इस उसके ऊपर ना ट्रिगर हो सकता है, और वहाँ पे उसको ट्रिगर करेंगे। और उन्होंने घर में जाके ये सारी चीज़ें की, मतलब ये पूरा प्लानिंग करके किया था। तो उन्होंने ये सारी इंटेंशनली सारी चीज़ें की थी, बहुत ही गलत है। अगर आपको किसी पर्सन हमारी पर्सनल थिंग से प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप सामने वालों को वो चीज़ नहीं करवा सकते। और उन्होंने वो यार फिन ने किया, लेकिन करण ने बहुत अच्छी तरह से उस सिचुएशन को हैंडल किया, ऐसे हम कह सकते हैं। और उन्होंने बहुत ही अच्छे से उनको भी वो कैरी जो भी सारी चीज़ें थी ना, वो सॉर्ट कर दी। और जो उनकी मतलब उनका उन्होंने ऐसे डायरेक्टली कहा नहीं, लेकिन उनके कहने का मतलब यही था कि जो करण है वो एक अब्यूजिंग पति है, या ये सारी चीज़ें बहुत ही बड़े एलिगेशन है, तो ये सारी चीज़ें उनको इस तरह से बोलनी नहीं चाहिए थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये इतनी पर्सनल थिंग उनको ट्रिगर करने के लिए बोलनी नहीं चाहिए थी। कोई भी हो, अगर आपको बस आपकी पत्नी का नाम कोई लेगा तो आप ट्रिगर हो जाते हो। तो करण की भी बहुत ही वो उनका बहुत ही अलग साइड है, तो आप सबके अंदर एंगर इशू होते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर होता है कि हम उसको कैसे कम करते हैं या उसको कैसे ओवरकम करते हैं, वो हमारे ऊपर होता है। लेकिन करण ने बहुत ही अच्छे से उनको मतलब क्लैरिफाई किया सारी चीज़ें। तो करण तो यही अच्छे, तो क्या ही कहेंगे। फिर उसके बाद ना ये सारी चीज़ें होने के बाद हमने अंदर देखा कि एलिस, ईशा और अविनाश का थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होती है। यहाँ पे मुझे एलिस और ईशा बहुत सही लगे, क्योंकि वो उनका जो पॉइंट है ना, वो बता रही है उसके सामने कि तूने जो बोला ना कि अर्फिन जी के बारे में, ये हमने ना देखा ना सुना, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं, अगर तूने बोला होगा ना फिर भी हमें याद नहीं। लेकिन अविनाश यहाँ पे भड़क जाता है, ऐसे किसी हुआ उनके सामने तुम्हें बोलना चाहिए था मुझे, अरे वो तुम्हारे दोस्त है, और दोस्त को ऐसे सबके सामने जलील कोई भी नहीं करना चाहेगा जो सच्चा फ्रेंड होगा। लेकिन उसका मैं कहना था कि तुम सबके सामने क्यों मुझे नहीं बोला। यहाँ पे अविनाश बिल्कुल भी गलत था, और एलिस और ईशा का पॉइंट बिल्कुल सही था। लेकिन यहाँ पे बहुत ही मतलब भड़क जाता है जो अविनाश है, लेकिन यहाँ पे अविनाश बिल्कुल गलत था। और उसके बाद ईशा भी भड़क जाती है, और ईशा का पॉइंट मुझे बिल्कुल सही लगा। मतलब ऐसे अगर हम एक फ्रेंड है, और फ्रेंड को सबके सामने हम जलील नहीं कर सकते, उसको अकेले में बोलेंगे कि भाई ये तेरा गलत था, ये तेरा सही था, तो ऐसे सबके सामने तो बोल नहीं सकते ना। तो ईशा का पॉइंट और एलिस का सही पॉइंट लगा मुझे। उसके बाद मलिका शेरावत आई थी, बहुत ही अच्छी है वो, मतलब नॉर्मली बहुत सीजन में आ चुकी है। तो यहाँ पे ना वो आती है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन यहाँ पे विवेन का एक चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक है, लेकिन पर्सनल हमारी चॉइस हो सकती है, लेकिन ऐसे गेस्ट को उसने बोला कि मुझे ना जब जो कोई छूता है ना वो पसंद नहीं, मतलब जो बातें करता है वो लोग पसंद है, और ऐसे
मलिका को बोल, मतलब उनको बुरा लगा होगा कि यार ऐसे कैसे कोई बोल सकता है। लेकिन वहाँ पे करण ने बहुत अच्छे से उनको उस सिचुएशन को संभाला और डाइवर्ट किया कि चलो ये सारी चीज़ें बोल के। लेकिन ये बहुत ही गलत था विवेन का एटीट्यूड कि मुझे नहीं ऐसी चुन, अरे ऐसा एटीट्यूड नहीं हो सकता कि, मतलब एक गेस्ट थी, उन्होंने क्या किया था पता नहीं, छोड़ो। अगर बोल सकते कि यार सबके अपनी चॉइस होते, लेकिन नाइस वे में कोई बोल सकता है ना, तो ये सारे। लेकिन करण ने बहुत अच्छे से उसको ये किया, उस सिचुएशन को संभाल। उसके बाद अविनाश का जो सिक्स पैक दिखाया वो एक नंबर था। उसके बाद सबके साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया, सारी चीज़ें सबके साथ की। फिर एक टास्क भी खेला जो जो एक दूसरे के जो भी झगड़ा था ना, वो रिक्रिएट कर रहा था, जो कि सेंटर वे में रिक्रिएट करना था। मतलब जो भी झगड़ा हुआ ना, वो हंस के हमें रिक्रिएट करना था। सबसे पहले रजत जी और बग्गा जी आए थे, जो एक्सीडेंट वाला था ना, कंट्रोवर्सी वाला, उसको रिक्रिएट किया। उसके बाद ना, उसके बाद विवेन और श्रुतिका का बहुत ही अच्छा था, अविनाश और करण का भी हुआ। लेकिन कहना पड़ेगा यहाँ पे, जब करण और अविनाश का झगड़ा वो चालू था ना, वहाँ पे अविनाश ने करण की बोलती बंद की थी, उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो करण पहली बार ऐसे, मतलब उसके पास शब्द नहीं थे, ऐसे लगा मुझे। उसके बाद श्रुतिका और विवेन का वो तो बहुत ही फनी था, बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा फनी था वो। फिर उसके बाद हमने देखा कि कृष्णा, भारती और सुदेशी आते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब वो तीनों आते हैं ठीक है, लेकिन सलमान सर का जो भी इन्वॉल्वमेंट था या जीरो इंटरेस्ट था उन तीनों के यहाँ पे, ऐसा मुझे लगा स्टेज पे स्पेशली। कि वो तीनों बहुत अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे से कॉमेडी कर रहे थे, कभी भी ऐसे बोरिंग नहीं लगा। लेकिन सलमान सर का 0% इंटरेस्ट दिख रहा था, ऐसे लग रहा था कि क्या है, मतलब यार सब लोग वहाँ पे काम करने आए हैं, उनका भी थोड़ा सा वो रखना चाहिए ना यार। पर ठीक है, क्या कह सकते, होस्ट है, होस्ट के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद वो जो अंदर आए ना, अंदर आने के बाद उन्होंने सबको एक आईना दिखाया, बहुत ही क्लियरली सबको आईना दिखाया और कॉमेडी वे में दिखाया। विवेन को बोला कि जो हर बार बोलता है कि मेरा चेक इतना देता है, प्रोड्यूसर ब्लैंक चेक देता है, मैं पेन वापस नहीं करता, मतलब एक कॉमेडी के साथ ना उन्होंने सबको एक आईना दिखाया, सारे कंटेस्टेंट को एक आईना दिखाया। वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मुझे स्पेशली वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और ये तीनों मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ना, ये जब तीनों एक साथ होते ना कॉमेडी, मतलब ऐसी वो लास्ट का पार्ट इतना इंटरटेनिंग था ना, मतलब एपिसोड ऑफ द कॉमेडी मोमेंट जो था वो बहुत ही अच्छा था, जो लास्ट का पार्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर जो कृष्णा ने जो गुणरतन जी की एक्टिंग की थी, टू मच, एक नंबर एक्टिंग थी। या सुदेश जी के जो पंच थे बीच बीच में ना, बहुत ही अच्छे थे, जो सीनियर एक्टर थे ना सुदेश जी, मुझे तो वो पहले से ही पसंद है, उनकी कॉमेडी या उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छे से। जो लोग होते हैं कि दूसरे के ऊपर कॉमेडी करते हैं, लेकिन ये खुद के ऊपर ही कॉमेडी करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। जो होते हैं ना बाप बाप होता है वो कॉमेडी के यहाँ पे, तो वो है, तो उनका जो कॉमेडी लेवल है ना वो कृष्णा और भारती के उसमें दिख जाता है, क्योंकि वो दोनों सुदेश जी के चेले बोल सकते हैं या सुदेश उनके गुरु है ऐसा बोल सकते हैं। तो वहाँ पे ना वो मोमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने सबको आईना दिखाया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोल दी और बहुत ही अलग वे में उनकी कॉमेडी होती है, ऐसे उतना बुरा भी नहीं लगता किसी को। उसके बाद ना अच्छा हाथ को भी बोला कि हीरो हीरोइन ये सारी चीज़ें। उसके बाद गदर जो हमारा गदा जी होते हैं ना, उनको इविक्ट किया जाता है। और अगेन नेक्स्ट वीक में देखते हैं कि क्या 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 चीज़ें होती है, क्या क्या नहीं होती। और इस वीक में मैं तो थोड़ा थोड़ा सा ओके ओके था, लेकिन अगले वीक में ना बहुत सारी चीज़ें होंगी और वो बहुत ही अच्छी तरह से होगी, ऐसा मुझे तो लगता है। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होगा, किस तरह से चीज़ें होगी, क्योंकि अभी ये जो पूरा हफ्ता निकला ना, सबको पता चला है कि इस घर में कौन दिखता है कौन नहीं दिखता है। जो नायरा, मुस्कान और चुम बिल्कुल भी नहीं दिखती है ना, तो उनको भी एक आईना मिल गया और बहुत ही चीज़ें क्लियर हो चुकी है। इसलिए नेक्स्ट एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें खुल के आएंगी और झगड़े तो बहुत ही बड़ी लेवल पे हो जाएंगे, ऐसा मुझे तो लगता है। आपको क्या लगा इस वीकेंड के वार से? तो मुझे इंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा लगा और मुझे बहुत ही पसंद आया, स्पेशली भारती, कृष्णा और सुदेश जी का। तो
जो लेस सलमान सर का जो भी लेस इंटरेस्ट था ना उनके इन सारी चीज़ों के ऊपर, वो भी बुरा लगा यार। बहुत सारे कलाकार होते हैं कि बहुत कॉमेडी करने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, तो उनको थोड़े एफर्ट को ज़रा थोड़ा सा उनको मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए था, ऐसा मुझे तो लगता है। फिर छोड़ो, अगेन सबके एक पर्सनल थिंक होती है, हम कुछ बोल नहीं सकते उसके ऊपर। आज के एपिसोड में इतना सारी चीज़ें हुई, अभी कल के एपिसोड में बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें खुल के आएंगी और देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इस एपिसोड के अंदर बहुत सारे क्ल्यू घर वालों के लिए दिए हैं कि कौन दिखता है कौन नहीं दिखता, लेकिन पता नहीं इनको समझ में आता है नहीं आता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि किसको कुछ सारी चीज़ें समझ में आती है नहीं आती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर आपका कोई भी इनमें से फेवरेट कंटेस्टेंट है ना, उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना।